देख सत्य दिखेगा। तुझे जाना होगा, तुझे जाना ही होगा, मन्नखेट जाना होगा, मृणाल के लिए, मन्नखेट के लिए, उन्हें अंधेरे से निकालने के लिए। ये तेरे उद्देश्य का पहला चरण है, सब कुछ ज्ञात होगा, जाना तो पड़ेगा, अंधयुग समाप्त करना होगा, समय आ गया है। किंतु माई, ये समाप्त कैसे होगा, कैसे करूंगा मैं? प्रेम में बल होता है, एकता में ताकत। जा और समय व्यर्थ ना कर। बस एक बात और बता दूं माई, इस सब का गज केसरी से क्या संबंध है? जा उस लड़की के पास, सब बिखरे हैं, सबको समेटना होगा, जोड़ना होगा, तभी तू ऋण होगा। गज केसरी का सच भी वही देगी तुझे, उसकी हिफाजत कर। गज केसरी समर्थ है तुझ तक आने के लिए। जा, देर ना कर। किंतु महाराज, ये पांचों कलाकार हैं, इनका अपराध यह है कि ये राज्य के नियमों के विरुद्ध ना केवल अपनी कला का अभ्यास कर रहे थे, बल्कि उसे नए युवक युवतियों को सिखाकर उसका विस्तार कर रहे थे। राष्ट्र के आदरणीय नागरिक जब कोई अपराध करते हैं तो वह क्षम्य होता है, क्योंकि वो भूल नहीं होती, वो राष्ट्र के नियमों की अवहेलना करना होता है, और जिस कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया हो उसे करना तो राष्ट्रद्रोह होता है। हमारे पिता आप पांचों का सम्मान करते थे, इसीलिए कला पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी हमने आपको यहाँ मान्यखेट में रहने की अनुमति दी और आपसे निवेदन किया कि आप कला का प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमारा शास्त्र कहता है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी कला से विहीन है, वो मनुष्य साक्षात पूंछ और सींगों से विहीन एक पशु है। हम पशुओं की तरह नहीं रह सकते। जो राज्य हर क्षण विरोधी राज्य के आक्रमण के आतंक में जीता, जहाँ शत्रु सेना आके आपके परिवार को रक्त रंजित करती हो, वहाँ कला का पल्लू पकड़कर बैठे रहना कायरता नहीं तो और क्या है? मान्यखेट ऐसी कायरता का समर्थन नहीं करता। नहीं चाहिए हमें ऐसी कला जो मान्यखेट को कमजोर और कायर बनाती हो। कला इस राष्ट्र में राजद्रोह है, और इसका केवल एक ही दंड है, कारावास, आजीवन कारावास। क्षमा राजकुमारी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा राजकुमारी, क्षमा राजकुमारी। इसका एकमात्र दंड आजीवन कारावास है। ले जाइए इन्हें। मैं आप सबके विचार जानना चाहता हूं। क्या हमारी चुप्पी का अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा पृथ्वी? ये जानते हुए कि मालवा को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम बार बार मान्यखेट जाने का आग्रह क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वहां संकट ही संकट है, तुम्हारे प्राणों पे संकट है पृथ्वी?
और क्या एक माँ जानबूझकर अपने पुत्र को संकट में धकेल सकती है? नहीं, ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में हम तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते। माँ, एक माँ होने के नाते मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन आप एक राजमाता भी हैं और राजमाता होने के नाते आप ये समझ सकती हैं कि यदि हमें शांति चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो उत्तर और दक्षिण का एक होना आवश्यक है, जिसके लिए मेरा मान्यखेट जाना आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण दक्षिण पर उसका प्रभाव है। माँ, पृथ्वी भैया, आप जो चाहे तर दे दे, हो सकता है हम आपको वहां जाने से रोक भी ना पाए, परंतु राजमाता के इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि मान्यखेत जिस घृणा और प्रतिशोध की आग में तप रहा है, विशेषकर मालवा के प्रति, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बात का प्रभाव पड़ सकता है उन पर। पृथ्वी भैया, हम भी आपके वहां जाने से सहमत नहीं है। किंतु सावित्री, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने भी तो उचित नहीं, कभी ना कभी तो पहल करनी होगी ना। मान्यखेत और मालवा अपनी शत्रुता को भूलकर एक हो जाए, उत्तर और दक्षिण प्रतिशोध की भावनाओं को छोड़कर आपस में मित्र बन जाए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन किस शर्त पर, किन मूल्यों पर? आपके प्राणों की शर्त पर, आपके प्राणों का मूल्य चुकाकर? नहीं, ये हम कतई नहीं होने देंगे। आपके प्राण मालवा और मान्यखेत की मित्रता से अधिक मूल्यवान है। यदि आप चाहते हैं तो कुछ समय बाद हम स्वयं मान्यखेत को निमंत्रण दे आएंगे, मगर इस तनाव में स्थिति में आपका वहां जाना उचित नहीं है भैया। हाँ चाचा जी, हमारा भी यही निवेदन है, मान्यखेत जाने का विचार आप त्याग दीजिए। पृथ्वी, तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, खतरा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबकी चिंता अनुचित है या आपकी शंका मिथ्या, मैं आप लोगों को केवल परिस्थिति की मांग और उसकी संवेदनशीलता से अवगत कराना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी और फिर किसी के जाने या ना जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, कुछ नहीं होगा, मैं ये कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करके आऊंगा। विनती है आप सबसे, समझिए मैं क्या कहना और करना चाहता हूं। तुम्हारे तर्क के आगे कुछ समय के बाद हम सब निरुत्तर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। यदि सेना अध्यक्ष कल्लारी तुम्हें जाने की स्वीकृति दे दें, तो हम भी स्वीकृति दे देंगे। मृणाल पुआ, अरे विलास आओ, कहाँ थी तुम, सुबह से दिखी नहीं। जी विलास, क्या आप वही विलास हैं? कहीं कोई और आपका रूप लेकर हमसे मिलने तो नहीं आ गई? जी वो आपका तात्पर्य क्या है? हमारा तात्पर्य ये है कि जिस विलास को हम यहाँ महल में छोड़कर गए थे, अब वो विलास नहीं है। हमारी विलास तो एक हंसती, मुस्कुराती, उत्साह और उमंग से भरी हुई लड़की थी, लेकिन आज जो हमारे सामने यहाँ खड़ी है, उसका चेहरा निस्तेज है। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? जी बुआ, मृणाल बुआ, हमें आपको बहुत कुछ बताना है। अरे सत्या, सलाम मृणाल बुआ। जीते रहो, खुश रहो। कितने वर्षों बाद देख रहे हैं हम तुम्हें।
कितने सुंदर और सजीले राजकुमार हो गए हो तुम। गुरुकुल में शिक्षा कैसी थी? अच्छी रही, सभी गुरुजनों का हम पे विशेष स्नेह रहा। हमारा सत्यश्रय है ही ऐसा कि सबको उससे स्नेह हो जाए। मृणाल बुआ, हमें एक अवश्य कार्य याद आ गया है। आप दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे हो, आप लोग बात ही कीजिए, हम फिर कभी आपसे मिलने आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है विलास, हम आपसे भी तो कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हम आप दोनों से बैठकर ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। पर मृणाल बुआ, हमें अभी जाना होगा, हमें अवश्य कार्य याद आ गया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इतने सालों बाद तुम मान्यखेत लौटे हो, तुम्हारी माँ को अत्यंत प्रसन्नता हो रही होगी। जी बुआ, वो बहुत प्रसन्न है, और मैं भी। प्रणाम सेनाध्यक्ष। क्या हुआ सिंधुराज, आप कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। बात ही चिंता की, भैया ने अचानक मान्यखेत जाने की इच्छा जताई। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? केवल आप ही हैं जो उन्हें मान्यखेत जाने से रोक सकते हैं। पृथ्वी मान्यखेत? पृथ्वी मान्यखेत नहीं जाएगा? हम सबने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वो अपनी हट छोड़ ही नहीं रहे। राजमाता को इस बात की सूचना है? जी। क्या कहा राजमाता ने? भैया ने उन्हें भी मना लिया एक शर्त। कौन सी शर्त? यदि आप उन्हें मान्यखेत जाने की अनुमति देंगे तभी वो। राजमाता ने बिल्कुल सही शर्त रखी है। मुझे तो लग रहा है कि वो आपको ही मना लेंगे, हर बार की तरह। इस बार हम उसे मिलेंगे ही नहीं, हम उसके हाथ ही नहीं आएंगे। आप मान्यखेत के युवराज हैं, भावी सम्राट हैं। आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। और मान्यखेत की राजनीति में अभी से ही अपनी भागीदारी निभानी है। मैं भी ना कैसी बात लेके बैठ गई, तुम्हारे आते ही तुम्हारे कंधे पर मान्यखेत का सारा बोझ डाल दिया। अच्छा ये बताइए, फिलासपति आपको कैसे लगे? आपको उससे अच्छी वधू नहीं मिलेगी। विलासपति में रानी बनने के सभी गुण हैं, वो सौम्य है, सुशील है, बुद्धिमान है, वीर भी है, लेकिन वो मृणाल से प्रेरित है, उसी की तरह बनना चाहती है। मृणाल बुआ की तरह? क्यों, आपको ये बात पसंद नहीं आई? एक पत्नी को अपने पति से प्यार करना चाहिए, उसकी इच्छा को अपनी आज्ञा समझनी चाहिए, महल में रहकर अपने सास ससुर की सेवा करना अपना धर्म समझना चाहिए, और मृणाल बुआ का इन सब बातों से कोई मेल नहीं। आपके विचार आपके पिता से बहुत मिलते हैं। अच्छा, आप विलासवती के बारे में कुछ बता रही थी, आप उसको मिलने के लिए अपने पास क्यों नहीं बुलाती? वो अभी तक हमारी बधू नहीं बनी है, अभी हमारा उस पर इतना अधिकार नहीं है कि। अच्छा छोड़िए, आपको हमारे विवाह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी हमारा शिकार करने का मन हो रहा है,
हम अपने मित्र बिलाल के साथ शिकार पर जाना चाहते हैं। कृपया आज्ञा दीजिए। सुनिए, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सदैव खुश रहें। आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। सब कुशल तो है? हाँ, वो हम विलासवती को लेकर थोड़े चिंतित हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया। सवेरे से ना तो अपने कक्ष से बाहर आई है, ना ही किसी से कुछ बात कर रही है। भोजन भी नहीं किया, बस इसीलिए उसका भोजन लेकर उसके कक्ष में जा रहे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कल तक तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया? ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे, कुछ बता भी नहीं रही है। यदि आपको अनुचित ना लगे तो क्या आज हम विलास के लिए भोजन ले जा सकते हैं? इसी बहाने हम उनका कुशल क्षेम भी पूछ लेंगे। इसमें अनुचित लगने वाली कौन सी बात है पुत्र, अवश्य ले जाइए। ये तो हमारी विलासवती का सौभाग्य है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। शायद आपसे मिलकर उसका मन बहल जाए। तावे भोजन की थाल हमें दे दो। धन्यवाद। हम अभी विलास को भोजन करा के आते हैं, वो हमें मना नहीं कर पाएंगे। आप डर क्यों रही हैं हमसे? हमने तो कल सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा ली थी आपकी। अपनी होने वाली पत्नी की यहां आइए, आइए। हमारी आंखों में देखिए कितना प्यार है आपके लिए। आपके लिए स्वयं भोजन लेकर आए। देखिए, भोजन कर लीजिए। वो क्या है ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप भूखी प्यासी रहेंगी तो। आपको हमारी सौगंध, अगर आपने इस खाने को इनकार किया तो। ये हुई ना बात, आप बहुत अच्छी पत्नी बनेंगी। हम आपको ऐसे ही प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। हमें भूख नहीं है। क्या? हमें भूख नहीं है। हम खिला रहे हैं ना? खा रहे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसी आज्ञाकारी पत्नी मिलने वाली है। यह आखिरी निवाला हमारे हाथ से, नहीं तो हमें लगेगा कि हमने आपको ठीक से भोजन नहीं खिलाया। फिर हम इसी गलानी में उदास उदास घूमते रहेंगे और आप भी उदास हो जाएंगे, ये सोच के कि आपके होने वाले पति उदास है। सही कहा ना हमने? हमारा पेट भर चुका है, ये
एक कौर और नहीं खा सकते। लेकिन आप प्यार तो करती है ना हमसे? करती है ना? जवाब दीजिए। क्या आपने हमें याद किया मित्र? तुम्हें एक व्यक्तिगत कार्य सौंपा था। क्या हुआ उसका मित्रवर? हमने स्वयं सेनाध्यक्ष कलारी को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं चल पा रहा। अब हमने तो महल के सारे प्रांगण भी छान मारे, कदाचित वो कहीं बाहर गए हैं। देखो रसनिधि, मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं इस कार्य के लिए तुम्हें कल से अधिक समय नहीं दे सकता। हम स्थिति की गंभीरता समझ रहे हैं, किंतु एक प्रश्न हमें विचलित कर रहा है। क्या तुम सिर्फ उत्तर और दक्षिण की संधि के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले रहे हो, या कोई और ऐसी बात है जो तुमने अब तक हमें नहीं बताई? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया रसनिधि। तो फिर पृथ्वी, अभी कभी कभी कुछ सवालों के जवाब को समय पर छोड़ देना चाहिए। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम उन्हें ढूंढने का कष्ट करोगे? मैं अभी सैनिकों को भेज देता हूँ सेनाध्यक्ष कलारी को ढूंढने के लिए। तुम निश्चिंत रहो। विलमराज, मान्यखेत दरबार आपका सहर्ष अभिनंदन करता है। धन्यवाद। विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हम आपके और मान्यखेत के लिए एक विशेष उपहार लाए हैं। इन दोनों ने ही चोल राज्य के इशारे पर महाराज तैलब पर हमला किया था। आपने हमलावरों को पकड़ के यहां लाकर मान्यखेत की शान और बढ़ा दी है विलमराज। अब कोई भी मान्यखेत पे फिर से हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इस कार्य के लिए हम आपके आभारी हैं विलमराज। मान्यखेत आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेगा। हम आपका ये ऋण कैसे चुका सकते हैं बताइए। अभी नहीं, समय आने पर हम स्वयं बता देंगे। उचित है। आज संध्याकाल को एक सुरक्षा समिति की बैठक है, आप अवश्य पधारें। अवश्य। कमाल, मान्यखेत की होने वाली रानी को तलवार से भय लगता है। पकड़िए इसे। हमने क्या कहा आपसे? पकड़िए इसे। और हम पे वार कीजिए। चलिए। हमें लड़ना नहीं पसंद। लड़ना नहीं पसंद, तो क्या पसंद है आपको? युवराज, विलास हमारी अतिथि है, इसलिए हमें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। हमारी इच्छाओं का ध्यान अगर हमारी होने वाली अर्धांगिनी नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अगर आपको ज्यादा ही एतराज है तो आप लड़िए हमसे और हमारी इस इच्छा को
पूरा कीजिए। आपकी इस इच्छा को पूरा करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम राज परिवार के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकते। फिर आइंदा हमारे और हमारी पत्नी के बीच में मत आइएगा। हम आप दोनों के बीच आने की कोशिश नहीं कर रहे, किंतु अभी तक ये आपकी पत्नी नहीं हुई है, अभी वे केवल हमारी अतिथि है। कविराज क्या हुआ? क्या हुआ कविराज, आप ऐसे उल्टे पांव वापस क्यों जा रहे थे? गुरुदेव का पता नहीं चला? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमने सैनिकों को भेज रखा है। चाहें तो ढूंढ सकते हैं आप, चाहते नहीं अलग बात है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोड़िए मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। सेना अध्यक्ष कल्लारी को ढूंढना होगा, पृथ्वी ढूंढे उससे पहले, ताकि हम उन्हें यह सूचना दे सके। पर सेना अध्यक्ष कल्लारी मिलेंगे तो मिलेंगे कहां? ऐसा क्या है आपके और सत्याश्रय के बीच जिसे आप हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप सत्याश्रय को बचा रही हैं या अपने आप को? बचा रहे, हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है वो अगर हम किसी को बताएंगे तो किसी का विश्वास नहीं होगा। हम किसको बताएं? हम हमें नहीं बता सकते हमारे साथ ऐसा असामान्य व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें भय लगता है सत्य से, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आपको अब तक ये सारी बातें राजकुमारी मृणाल को बता देनी चाहिए थी, आपने उन्हें अब तक क्यों नहीं बताया? आप भी नहीं बताएंगी, वचन दीजिए हमें आप नहीं बताएंगी। परंतु क्यों? उचित समय आने पर हम स्वयं मृणाल बुआ को बता देंगे। हम मृणाल बुआ को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वचन दीजिए हमें। ठीक है, हम वचन देते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे। आप अपना ध्यान रखिए। वाह विलास, हमें अपनी होने वाली पत्नी में ऐसे ही गुण चाहिए। अपना मुंह बंद रखें, पति की इच्छा को आदेश माने, अपनी पति की बातें किसी को ना बताएं। धीरे धीरे तुम एक अच्छी पत्नी की गुण सीखती जा रही हो। विलास, विलास क्या हो गया? इतना शर्मा रही? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, ऐसे ही दिल जीतती रहना उनका। तुम्हें तो ज्वर है। होता है, अधिक घबराहट और संकोच के कारण कभी कभी शरीर का ताप बढ़ जाता है। एक काम करो, तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध मंगवाते हैं। मैं सुंदर और सजीले युवक है ना सत्याश्री, भावी राजा के सारे गुण दिखाई देते हैं हमें उनमें।
तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ विलास? माँ, हम सत्यश ऐसे विवाह नहीं करना चाहते। ये जो आपके परम पूज्य चाचा जी हैं ना, पृथ्वी वल्लभ, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, इनकी वजह से हमारे प्राण संकट में बहुत बार फंसे। ये पहली बार नहीं है। अच्छा, हमारे चाचा अर्थात आपके मित्र पृथ्वी वल्लभ? अरे काहे का मित्र? एक तो पृथ्वी वल्लभ ने अचानक और एक भयानक निर्णय ले लिया कि उन्हें मानीखेत जाना है। उसकी वजह से सेना अध्यक्ष कल्लारी को हमें मालवा के चप्पे चप्पे में ढूंढना पड़ रहा है, ताकि हम उन्हें ढूंढे और ये बात बता सके। सेना अध्यक्ष कल्लारी को जब ये बात पता चलेगी ना, सीधे गर्दन पकड़ेंगे वो हमारी। सेना अध्यक्ष कल्लारी का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। कहां मिलेंगे सेना अध्यक्ष कल्लारी? चलो ढूंढते हैं। मौसी, क्या कर रही हो? मौसी, अब बताओ कि भी क्या हुआ? कोशा, तैलब राज के प्रेम में दिमाग के साथ साथ तेरी नजरें भी खराब हो गई। उधर देख जरा क्या है। मौसी, उठिए उठिए, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। और अगर कहीं संतरी की नजर हम पर पड़ गई ना, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर मान भी लीजिए कि हम यहाँ से बाहर भी निकल गए, तो हमें यह भी तो अनुमान नहीं है ना कि हम किस स्थान पर बंदी बने हुए हैं। उषा, हम किसी भी स्थान पर हो, बंदी होने से तो अच्छा है ना कि हम बाहर जाकर स्वतंत्र होकर जिए। अगर हमने ये मौका हाथ से गवा दिया ना, तो शायद हमें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मौसी, हम समझे नहीं। इतना समझती ना तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। अगर हमने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया ना कोशा, तो महारानी जटला हमें ऐसे मौके के लिए जीवित नहीं छोड़ेगी। अब कैसी बातें कर रही हो मौसी? अगर उन्हें हमारी हत्या ही करनी होती तो कब तक कर चुकी होती। कितनी भोली है तू कोशा। देखा नहीं, महारानी जटला जब कह रही थी कि तैलबराज वापस नहीं आए, उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। इसका मतलब वो झूठ कह रही थी कोशा। हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, और ऐसा उनका करना सही भी है, लेकिन वो हमारी हत्या करवाएंगी, ऐसा क्यों लगा आपको? महारानी जगला ने जाने से पहले क्या कहा कि वो हमारा निश्चित उपाय लेकर आएंगी। संतरी, बस इतना ही भोजन देना कि सांस चल सके। हम जल्द ही कोई निश्चित उपाय करेंगे। और हमारी हत्या से बढ़कर निश्चित उपाय क्या हो सकता है? किसी भी सूरत में इस कैद से बाहर निकलना होगा, और तुझे तैलबराज से मिलना होगा। उन्हें ये पूरा सच बताए बिना हमारी जान नहीं बच सकती। मैं आपकी बात समझ गई मौसी, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकलकर पकड़े गए तो? पहले यहाँ से बाहर तो निकले, पहले ही पकड़े जाएंगे। मदद कर मेरी। रुकिए मौसी, मैं कुछ करती हूँ। कोशा, हाँ कोशा, कोशा, आइए। ये रहा, ये रहा। आराम से कोशा,
लगता है महागुरु कल्लारी से मिलने का समय आ गया है। वो भीड़ देख रहे हैं आप? उस भीड़ को देख के प्रतीत होता है कि वहां पे अवश्य ही चयन की प्रक्रिया चालू। हाँ लगता तो ऐसा ही है, चलो देखें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान जाइए गुरुदेव, मेरा जाना अनिवार्य है, आज्ञा दीजिए मुझे। सुन चुके हैं हम, पर असल उद्देश्य क्या है? आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे परास्त करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। सेनाध्यक्ष कल्लारी और पृथ्वी मलयुद्ध करने जा रहे हैं।